नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर के बाद सरकार में अगर कोई तीसरा व्यक्ति यह इंश्योर कर रहा है कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई भी कंप्रोमाइज ना हो और भारत के राष्ट्रीय हितों की जो आज सुरक्षा कर रहा है वह है भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल सर। किसी ने नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान रेजिम आने के बाद एक समय वो भी आएगा जब तालिबान भारत को लेकर पाकिस्तान को धमकी देगा, लेकिन अजीत डोवाल सर ने यह कर दिखाया है साल 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ए को खत्म किया था, यानी कि हटा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड को अचानक से बंद कर दिया था। उससे पहले वाघा अटारी बॉर्डर से डेली कई सारे ट्रक्स क्रॉस होते थे और पाकिस्तान के साथ भारत को कैर ट्रेड करना भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के इस फैसले के कारण अफगानिस्तान के साथ जो भारत का बायोलेटरल ट्रेड होता था वो भी बाधित हो गया था। एक समय पर भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 से 6 हजार करोड़ का बायोलेटरल ट्रेड हुआ करता था, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा लैंड रूट से आता था। साल 2019 से पहले अफगानिस्तान के 200-300 ट्रक्स हर महीने वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉस करके भारत तक सामान लाया करते थे। अफगानिस्तान से ट्रक्स पाकिस्तान से होते हुए भारत में एंटर करते थे और यहां से काफी सारा सामान उन्हीं ट्रक्स में अफगानिस्तान तक जाता था, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर भी रोक लगा दी थी। और साल 2020 में अफगानिस्तान गवर्नमेंट के प्रेशर के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ट्रक्स को ट्रांजिट की परमिशन दे दी थी, लेकिन तालिबान रेजीम आने के बाद फिर से पाकिस्तान की तरफ से काफी ड्रामा किया जा रहा है। अफगानिस्तान जो कराची पोर्ट के रास्ते भारत और एशिया के बाकी देशों को सामान भेजा करता था, पाकिस्तान ने उसके ऊपर भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांजिट को लेकर एक एग्रीमेंट तो साइन हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला ट्रेड काफी ज्यादा बाधित हो रहा है। और जो वाघा अटारी बॉर्डर से ट्रेड होता था वो तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है, जिस वजह से अफगानिस्तान के ट्रेडर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी के चलते तालिबान रेजीम ने पाकिस्तान को धमकी दी है। तालिबान के पॉलिटिकल डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद अब्बास तानिकज़ाई ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उसने कहा है कि इस समय फ्रूट वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट का पीक सीजन चल रहा है और इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान के ट्रेडर्स के लिए काफी बाधा खड़ी कर रहा है। पाकिस्तान यह ना बोले कि पाकिस्तान से जो सेंट्रल एशिया के देशों की मार्केट्स में सामान जाता है वो भी अफगानिस्तान के रास्ते से ही होते हुए जाता है और हम भी अपने बॉर्डर्स बंद करके पाकिस्तान के ट्रेडर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हम वह करना नहीं चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान की सरकार अपने बॉर्डर्स खोले और भारत और दूसरे देशों की मार्केट में अफगानिस्तान के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स के लिए रास्ता दे, ताकि उनके प्रोडक्ट्स भारत और बाकी देशों की मार्केट तक पहुंच सके। अफगानिस्तान क्योंकि लैंड लॉ कंट्री है, इसलिए वह भारत और एशिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट्स के लिए पाकिस्तान और ईरान के ऊपर निर्भर करता है, पाकिस्तान के पोर्ट्स और वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते। अफगानिस्तान अपना माल भारत, श्रीलंका, मालदीव्स और एशिया के बाकी देशों में भेजता था, मगर पाकिस्तान की सरकार तालिबान रेजिम को ब्लैकमेल करने के लिए अफगानिस्तान के ट्रेड को बाधित कर रही है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान रेजीम टीटीपी यानी कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान और बाकी आतंकी गुट जो पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास एक्टिव हैं, उनके ऊपर तालिबान एक्शन ले और उनको पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से रोके, और अगर फिर भी ट्रेड और एक्सपोर्ट्स बाधित होंगे तो अफगानिस्तान के ट्रेडर्स को नुकसान होगा, यानी ट्रेडर्स का नुकसान तो अफगानिस्तान की सरकार का नुकसान। इसलिए तालिबान रेजीम ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो भी पाकिस्तान के गुड्स के लिए अपने बॉर्डर्स बंद कर देंगे और पाकिस्तान भी फिर अफगानिस्तान के रास्ते ह्यूज क्वांटिटी में जो सामान मिडिल एशिया और यूरेशियन कंट्रीज में बेचता है उसके ऊपर भी रोक लग जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।